ये सच है। पारवा लक्ष्मी और ऋषि की बेटी है, ये बात हम जानते हैं। हुई लक्ष्मी के डर की जीत। पारवा हमारी बेटी। सास बहू के बीच बहसबाजी। नीलम ने किया सच का खुलासा। हमारे परिवार का अंश हमारे ऋषि की बेटी, इस परिवार का खून। पारो को लेकर घर में तमाशा। जी टीवी के सीरियल भाग्य लक्ष्मी में आज लक्ष्मी का डर उस पर हावी हो रहा है। असल में रोहन के बर्थडे पार्टी में अपने और अपनी बेटी के प्रति नीलम के व्यवहार को लक्ष्मी हजम नहीं कर पा रही। ऐसे में लक्ष्मी डरी हुई है कि कहीं सभी को पारो का सच पता तो नहीं चल गया। इसीलिए देखिए कैसे लक्ष्मी ऋषि को ढूंढ रही है, साथ ही तलाश रही है अपनी बेटी को भी, क्योंकि वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहती है। ऐसे में उसकी नज़र अपनी बेटी पर पड़ तो जाती है, लेकिन सामने वो देखती है मलिष्का को, जो सिर्फ और सिर्फ पारो को ही निहारे जा रही है। ऐसे में लक्ष्मी और भी ज्यादा डर गई और अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई और सीधा पहुंच गई अपनी सासू मां नीलम के पास। इससे पहले कि नीलम कुछ और कह पाती, लक्ष्मी अपनी बेटी पारो को लेकर वहाँ से जाना चाहती है, लेकिन तभी नीलम ने अनाउंसमेंट कर दी कि पारो कहीं नहीं जाएगी। ऐसे में लक्ष्मी का डर और बढ़ गया और ये डर उसके सामने सही साबित हो गया जब नीलम ने इस बात का खुलासा किया कि वो जानती है कि पारो उन्हीं की पोती है। पारो मेरी बेटी है, उस पर अचानक से आपको इतना लगाव, इतना अच्छी क्यों बन रही है आप उसके साथ? क्या हुआ, इतना प्यार क्यों दिखा रही है उसे? आप ऐसी है नहीं, तो इतना लाड़ प्यार, इतना दिखावा क्यों कर? दिखावा नहीं, क्यों नहीं कर सकती आप पारो के लिए दिखावा? जरूर कर सकती है आप, वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी से इतना प्यार क्यों कर रही है आप? मेरी बेटी के साथ इतना अच्छा क्यों है आप? हमारी पोती है वो। लक्ष्मी को घबराहट इस बात से हो रही है कि इतना प्यार, इतना अफेक्शन क्यों दिखाया जा रहा है टुवर्ड्स पारो नीलम के थ्रू? क्यों इतना प्यार दिखा रही है? इतना सारे से क्या बदल गया? तो लक्ष्मी उसी चक्कर में घबराई हो रही है थ्रू आउट द सीरीज। अब वो जो डर उसके सामने सीन में आता है जब नीलम रिवील करती है कि वो जानती है कि पोती है हमारी, तो वहाँ पर लक्ष्मी घबरा गई है कि उसे डर इस बात का कि अगर अब, क्योंकि ऋषि क्या इमोशनल एंगल भी है ऋषि का, अगर वो बोलेगा मेरी बेटी है तो वो लड़ भी लेगा अगर लक्ष्मी से, तो वो अभी लक्ष्मी के साथ कुछ अनफेयर नहीं करेगा। तो नीलम के केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते, वो थोड़ी श्यूड है चीज़ें को लेकर, तो उनका इमोशनल एंगल थोड़ा कम है, वो गलत चीज़ें भी कर सकते।